हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह दिल्ली सल्तनत की फोर्थ डायनेस्टी है। दिल्ली पर पांच डायनेस्टीज़ ने शासन किया, जिनमें से तीन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहली है स्लेव डायनेस्टी, दूसरी है खिलजी डायनेस्टी, तीसरी है तुगलक डायनेस्टी और चौथी जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है सैयद डायनेस्टी। इससे अगली डायनेस्टी और अंतिम डायनेस्टी जिसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो है लोधी डायनेस्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैयद डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए, उनका शासनकाल कैसा रहा, उन्होंने कहां कहां शासन किया। सैयद डायनेस्टी के शासकों ने ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया और ना ही ज़्यादा बड़े बड़े काम किए, फिर भी हम इस डायनेस्टी के बारे में मुख्य और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी थी, सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और सबसे ज़्यादा एरिया पर शासन किया। 1398 में भारत में जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उस समय तुगलक डायनेस्टी का शासन था दिल्ली पर, और मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था, उसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय खिर्ज खान नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि आगे जाकर दिल्ली का सुल्तान बनता है, तैमूर की मदद की। उसने तैमूर को कहा कि तुगलक डायनेस्टी को समाप्त करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरह खिर्ज खान तैमूर के साथ मिल जाता है और दिल्ली को जीतने में सफल हो जाता है। दिल्ली को जीतने के बाद तैमूर अपने देश वापस चला जाता है, लेकिन वह भारत के कुछ भाग खिर्ज खान के हवाले कर जाता है। इसके जाने के बाद खिर्ज खान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो हम इस डायनेस्टी में मेनली चार शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है खिर्ज खान, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। यह चारों सैयद वंश के शासक हैं जिन्होंने मिलकर लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। ये दिल्ली पर शासन करने वाले पहले और अंतिम शिया रूलर्स थे। पहले जो भी शासक हुए, जो भी डायनेस्टीज़ हुई, वो सुन्नी रूलर्स थे। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि शिया और सुन्नी रूलर्स ये क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में दो पार्टीशन हैं, शिया और सुन्नी। कुछ लोग शिया धर्म को अपनाते हैं और कुछ लोग सुन्नी धर्म को अपनाते हैं। तो सैयद डायनेस्टी के जो वंशज थे, इन्होंने सुन्नी धर्म को अपनाया हुआ था। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर के बारे में, जो था खिर्ज खान। अब खिर्ज खान जो है, ये कौन से देश से आया था? ये अरब देश से आया था। तैमूर की मदद करने के कारण यह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर बन गया, क्योंकि इसने तुगलक डायनेस्टी को समाप्त करने में तैमूर की मदद की थी और दिल्ली को जीतने में उसकी सहायता की थी। तैमूर के भारत से वापस चले जाने के बाद वह खुद को यहाँ का वायसराय घोषित कर देता है और इसे रियायते आला का टाइटल मिल जाता है, जो कि स्लेव डायनेस्टी में मोहम्मद गौरी के वापस जाने के बाद उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिया गया था। तो इस तरह से दोनों ही, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिर्ज खान, ये दोनों ही बहुत ही हम्बल नेचर के व्यक्ति थे। दोनों ने ही अपने नाम के सिक्के जारी नहीं करवाए और इस तरह से इन दोनों ने शासन किया। इसके बाद इसने सूरत, दीपालपुर और पंजाब पर कंट्रोल करना शुरू किया। खिर्ज खान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही शासन किया।
इसका बेटा मुबारक शाह वैसे ही शासन करता है जैसे कि स्लेव डायनेस्टी का दूसरा राजा इल्तुतमिश करता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि स्लेव डायनेस्टी ने लंबे समय तक शासन किया और इसके आगे आने वाले शासक पावरफुल थे, लेकिन सैयद डायनेस्टी में ऐसा नहीं था। सैयद डायनेस्टी में आगे जो शासक हुए वो पावरफुल नहीं थे, वह बहुत ही कमज़ोर थे। और स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक शासन किया था, जबकि सैयद डायनेस्टी ने केवल 37 वर्षों तक ही शासन किया। तो खिर्ज खान इन इलाकों को हार जाता है, जिनमें कौन कौन से इलाके शामिल थे, जिसमें बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश और मालवा। इन इलाकों में जहाँ भी उन्होंने युद्ध करे वे उन सभी को हार जाता है। इसके बाद उसके पास शासन करने के लिए बहुत ही कम एरिया बचता है। 1421 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मुबारक शाह जिसने 1421 सीई से 1434 सीई तक शासन किया, उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी यानी एक षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहले इसने दाओब क्षेत्र पर शासन किया। दाओब क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां गंगा यमुना दो नदियां आपस में मिलती हैं, उस क्षेत्र को दाओब क्षेत्र कहा जाता है। तो मुबारक शाह उस क्षेत्र को गवर्न करता है, उस पर शासन करता है। लेकिन वहाँ से जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो यह दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के भी चलवाता है, जबकि इसके पिता खिर्ज खान ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, वही सिक्के रहने दिए जो कि फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए थे तुगलक डायनेस्टी में। तो यह पहला सुल्तान था जिसने हिंदू नोबल्स को कोर्ट में जगह दी। तो बच्चों, अगर हम पूछें कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने हिंदू नोबल्स को कोर्ट में जगह दी, तो आपका उत्तर होगा वह था सैयद डायनेस्टी का मुबारक शाह। इसके अलावा इसने मुबारकाबाद नाम का एक शहर भी बसाया जो कि जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी कुछ लड़ाइयां चली राजपूतों के साथ एवं मालवा और जौनपुर के मुस्लिमों के साथ, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली क्योंकि इसके पिता ने वह एरिया अपने हाथों से गवा दिया था। सभी डायनेस्टीज़ ने अपने शासनकाल में अपने एरिया को बढ़ाया, फिर चाहे वो स्लेव्स हों, खिलजीज हों या तुगलक हों, लेकिन सैयद डायनेस्टी के रूलर्स ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने क्षेत्र को अपने हाथों से ही गंवा दिया। 1434 सीई में इसका वज़ीर ही इसे धोखा दे देता है और इसकी हत्या करवा देता है। इसकी मृत्यु के बाद इसके भाई के बेटे मोहम्मद शाह को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। मोहम्मद शाह एक तरह का पपेट रूलर होता है और यह राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं होता। इसके समय से ही सैयद डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सरवालुल मुल्क नाम का एक नोबल होता है जो कि इसे धोखा देता है, जिसने इसे धोखा दिया होता है और जो कि खुद वज़ीर बन जाता है, यानी जो मुबारक शाह से गद्दारी करता है और उसे मरवा देता है। तो मोहम्मद शाह को राजा बना देता है, मुबारक शाह को मारने के बाद ये मोहम्मद शाह को राजा बना देता है और खुद वज़ीर बन जाता है। इससे जनता में अनार्की फैल जाती है। सुल्तान भी कुछ समय बाद यह फील करने लगता है कि यह जो हो रहा है यह सही नहीं हो रहा, मैं राजा केवल नाम का राजा हूँ और सारे महत्वपूर्ण कार्य कौन कर रहा है? मेरा वज़ीर सरवारुल मुल्क नाम का व्यक्ति कर रहा है।
तो इसके बाद वह अपने एक दोस्त की मदद लेता है जिसका नाम होता है बहलोल लोदी। आगे चलकर जो कि लोदी वंश का गवर्नर होता है, तो बहलोल लोदी की मदद से मोहम्मद शाह सबसे पहले सरवारुल मुल्क की हत्या करवाता है। इस तरह बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह मिलकर इस वज़ीर की हत्या कर देते हैं। यह बहलोल लोदी को खाने खाना का टाइटल भी देता है। इसके बाद ये दोनों मालवा को भी हरा देते हैं और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह जो कि पपेट रूलर था, इसने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, किंतु 1445 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा अलाउद्दीन शाह राजा बनता है। अलाउद्दीन शाह मोहम्मद शाह के बाद राजा बनता है। बहलोल लोदी ने इसे धोखा नहीं दिया। अब मोहम्मद शाह के बाद जब उसका बेटा आया तो बहलोल लोदी ने उसे पूरा सपोर्ट किया। मोहम्मद शाह के बाद उसके बेटे को ही राजा बनाया गया। उसने 1445 से 1451 तक शासन किया। यह तो बिल्कुल लायक राजा नहीं था, मतलब अलाउद्दीन शाह के अंदर राजा बनने के कोई गुण नहीं थे। इस पदवी के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। उसके बाद यह आलम शाह की उपाधि ले लेता है, लेकिन वास्तव में यह इस उपाधि के योग्य नहीं था। यह बहुत बड़ी उपाधि होती है। इसके बारे में कहा गया है कि देखो, शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक, पालम दिल्ली का ही एक हिस्सा था, इतना सा ही इलाका इसके पास बचा था। दिल्ली से पालम तक इतना छोटा सा इलाका होने के बावजूद भी ये अपने आप को आलम शाह कहलाता था। वह बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था, मतलब अलाउद्दीन आलम शाह के अंदर शासक बनने के कोई गुण नहीं थे, उसके अंदर शासन करने का कोई पोटेंशियल नहीं था। इसके बाद वह एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। उसके राज्य में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एक विद्रोह उत्पन्न होता है। इसके राज्य में नोबल्स और वज़ीर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। उसे सुलझाने की बजाय यह वहाँ से डरकर भाग जाता है और बदायूं में जाकर छिप जाता है। इसके भाग जाने पर दिल्ली में राजा का पद रिक्त हो जाता है। तब बहलोल लोदी जो कि लाहौर का गवर्नर होता है, 1451 CE में दिल्ली की सल्तनत को कैप्चर कर लेता है और नया वंश लोदी वंश शुरू हो जाता है। उसके बाद बदायूं में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह का रूलर था ये, ना ही इसने कोई काम किया, ना राज्य को चला पाया यह ढंग से, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद जो कि जनता में आपस में उभरे थे उन्हें सुलझा पाया। तो इस तरह 1451 में अलाउद्दीन शाह का शासन समाप्त हो गया और इस तरह सैयद डायनेस्टी का भी पतन हो गया।